हाँ जी, आज की वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे मैं आया हूँ बाहर और बिल्कुल कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी। वैसे आई एम अ वेरी एंटी सोशल पर्सन राइट नाउ इन दिनों, लेकिन कुछ चीज़ें लेनी थी तो बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे बाहर निकल ही आया हूँ मैं अभी। कसम तोड़ दी मैंने, तो मैंने कहा आप लोग भी साथ ही था, चलो छोटी सी वीडियो बनाएगा, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आप लोग साथ रहेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू। आज PSL का फाइनल मैच है तो आज इतना रश नहीं होगा, ये सोचकर तो मैंने यहाँ आने की तैयारी कर ली, लेकिन यहाँ पर इतना रश है शायद अभी यहाँ आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इतना रश है कि मैंने कहा यार मैंने तो गलती कर ली, फिर अब क्या करूँ, गलती सुधारी भी जा सकती। तो एक दोस्त को मिलना था, पता नहीं वो दोस्त अलाउ करे या ना करे कैमरा में आना, तो इसलिए प्रॉमिस नहीं कर सकता उससे मिलवाने का, लेकिन पूछ लूँगा उससे। और रश मैं आपको दिखाता हूँ, भी जो मैंने आप लोगों से बात की है ना, एक्सट्रीम रश है वो, अभी शायद मेरे पीछे पता ना चल रहा हो, और बहुत रश। पान मैं खाना चाहता हूँ, दिल तो कर रहा है, आप लोग बताएं खाऊं कि ना खाऊं। पान खाए सैया हमारे, मुझे क्या हो गया? मैंने गाने गा लिए। पान खाए सैया हमारे, कि मैं आ तो गया हूँ लेकिन ना ईद पे ही मेरे ख्याल से नहीं कपड़े वगैरह आएंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है और सारे पुराने सर्दियों के कपड़े जो है ना वो अभी सेल में लगे, मैंने यहाँ कुछ नहीं है भले, उसके साथ ही गर्मियाँ भी शुरू हो गई ऑलमोस्ट, लेकिन गर्मियों का भी सारा स्टॉक आ जाएगा और आई थिंक ईद का भी स्टॉक आ जाएगा, तो अभी जो कपड़े वगैरह वो ना ही लिए जाए। किसी को बहुत पसंद है कोई ऐसा आर्टिकल जो महंगा होने की वजह से वो सर्दियों में नहीं खरीद सका, तो अभी ख़रीद ले क्योंकि अब उस पर 50-40% ऑफ है, ये सीन है, वरना ये है कि नया अभी कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा आपको भी अपडेट दे दूँ, मैंने जो एक दो चीज़ें लेनी थी बेसिकली अपनी समय लें आप बेटियों के लिए वो मैंने ले ली हैं, और अभी मैं कुछ खाता हूँ क्योंकि खाना इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, बाहर कहीं आके कुछ खाता हूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें सारा मोटा स्टफ है सारा, और इस पर ऑफ लगा हुआ, अब इसमें तो फिलहाल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी देखें वही ना सारा, भी ये लोग वही निकाल रहे हैं, और इवन के पैंटे भी जो है ना वो सारी पुरानी है, और इस तरह के ट्राउज़र हैं, तो ये ट्राउज़र अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। खाना खाने के लिए मैं आ गया हूँ, हमेशा की तरह इतनी ऑप्शन देके कंफ्यूज हो गया हूँ, पर डिसाइडेड तो तीन चीज़ें खाता हूँ मज़े। फाइनली खाना मैंने खा लिया और मैं थक गया हूँ, और कपड़े भी मैंने जो लिए वही हैं, थक गया हूँ मैं, बस थोड़ी देर बाद मैं अब घर निकलूँगा, गलती की आज आके वीकेंड है और बहुत रश है, तो वैसे भी मैं नहीं आता, लेकिन आज आके मैं साबित हो गया।
आज साबित हो गया कि मैं सही फैसला करता हूँ जो नहीं आता। आईदा मेरी बोमा, मैंने बाहर नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। अब आ गया वापसी का टाइम, अब मैं जा रहा हूँ वापस। ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे दुआ में याद थी, कैसे मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे अगला दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में, और आज मैं आ गया हूँ पैकेजेस में। मैंने कहा थोड़ी शॉपिंग कर देखा जाए और फिर आप लोगों को भी साथ दिखाया जाए कि क्या ले रहा है। तो मुझे हमेशा ना इनके परफ्यूम बहुत फैसिनेट करते हैं, मैं आज ये भी देखना चाहूँगा। और आप लोग कैसे, उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बजाय काफियत होंगे और दुआएँ कर रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, अच्छे अच्छे इफ्तारियाँ सहरियाँ चल रही होंगी। और मैं आप सबके लिए दुआ दूँगा और आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। और चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, और अगर वैसे भी कुछ लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब करना याद नहीं रहता ऐसे, तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर या करें, वो भी अच्छा लगता है आपको ना। एक हौसला अफजाई पुश अप समझ लें आप, पुश करते हैं इंसान को कि वो भी और वीडियोस मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा पुशअप है कि अगर कोई सब्सक्राइब करे तो। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। थैंक यू। तो आपको पता है कि मैंने नहीं कुछ लिया था, तो आज मैं दोबारा आ गया हूँ कुछ देख। आज मैं फैक्ट्री मॉल आया क्योंकि पूरी में रश इतना ज़्यादा होता है, कोई चीज़ भी पसंद नहीं आती है और समझ भी नहीं आता कि क्या करूँ। तो आज अल्लाह करे वो तो शलवार सूट देखी थी मुझे मिल जाए। वैसे यहाँ अलमीरा भी मुझे नज़र आ रहा है, तो उसमें भी घूम के देखता हूँ कि शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। क्योंकि मैं शलवार भी साल में एक दो बार पहनता हूँ, तो वो फिर मुझे एक डिसेंट और उसका पर्टिकुलर वे चाहिए। फिर उसके लिए मुझे डिसेंट और पर्टिकुलर जो है ना वे शलवार कमीज का समझ आता है, अदरवाइज मुझे शलवार की समझ नहीं आती। तो मेरे पीछे अलमीरा भी है, जे डॉट भी है, फिर मैं जे डॉट से आकर देखूँगा। अगर मुझे मेरी मर्जी की शलवार कमीज मिल गई तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिया है, और शायद आप लोगों को मेरी पसंद आए, शायद ना आए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ बेहतर लगी और क्या नहीं, और सूट करेगी मुझ पर क्या नहीं।
शॉप्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, अभी तो से बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा ये कोई है ईद वेयर या कुछ इनमें से ऐसा है कि जो देखते ही बंदा कि यार ये मैंने ईद पे पहनना है। नहीं यार, ये ईद कलेक्शन नहीं है, ये तो बस लगता है उन्होंने कहा बस जल्दी जल्दी बना के कुछ भी लटका दो, लोगों ने ले जाना, और लोग करते भी यही है ना, जिस वजह से उन्हें फिर हौसला अफजाई मिलती है। अब कहने को जी ये अलकरम ब्रांड है, ये कपड़े ये है यहाँ पे, ये ईद पे पहनने वाले कपड़े तो नहीं है यार, कोई थोड़े से ना मतलब बिल्कुल सिंपल बिल्कुल प्लेन कलर और ये नहीं नहीं तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप लोगों ने देख लिया बोले ये क्या है। ठीक है ये कपड़े भी अच्छे लगते हैं, पर ये ईद वेयर नहीं है, और प्राइस है इनके शुरू होते हैं 8,000 से लेके 15,000 तक। एक सिंपल कपड़ा है, पता नहीं जीव से कलर्स कलेक्शन है, कुछ फैसिनेटिंग कलर कलेक्शन नहीं है, और बिल्कुल सिंपल है, और 8,000 से शुरू हो रहे हैं और एंड तो 15,000-20,000 तक है। तो यार ना तो लेने को दिल करता है, स्पेशली मेरा तो इतनी महंगी चीज़ें और फिर वो भी ऐसी अजीब सी चीज़। अच्छी हो ना तो फिर प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता या कोई भी नहीं करता डेफिनेटली, लेकिन जब चीज़ भी अच्छी ना हो और प्राइस भी इतनी ज़्यादा हो तो मेरा नहीं ख्याल से कोई ज़रूरत है इतने पैसे ज़ाया करने की, और पैसे तो ज़ाया करने नहीं चाहिए वैसे। तो मैंने इसलिए इस बार अभी से ही देखना शुरू कर दिया कि शायद ईद तक कुछ समझ में आ जाए, कुछ पसंद आ जाए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा अभी तक। तो मुझे था मैं जाऊँगा, मैं जायज़ हो जाऊँगा, खुश हो जाऊँगा, लेकिन मैं तो आपने देखा एकदम डल सा हो गया यहाँ के कपड़े और कलेक्शन देखे। तो आगे भी आप लोग साथ रहेगा, बने रहेगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, देखते हैं क्या पता शायद कुछ मिल ही जाए। तो क्या पता कुछ मिल ही जाए, मॉल्स की खाक को मैं छानता फिर रहा हूँ, अल्लाह करे कुछ मिल जाए, अगर मिल गया तो आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँगा, अगर ना मिला तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरे साथ रहिएगा ठीक है, आ जाए आ जाए। अब हम जा रहे हैं ईडन रोप के अंदर, अंदर जा के देखते हैं कि क्या है ईडन रोप के अंदर, ठीक है ना। ये कलर है, ये है पैटर्न सिंपल, वही एक स्लीक सा जो होता है, मतलब कुछ ईद के लिए हो ना, थोड़ा सा फेस्टिव जैसे। ये फैब्रिक अच्छा है लेकिन सिंपल है, जैसे ये फैब्रिक भी अच्छा है। ये कॉटन है, ये कॉटन वाला सारा नहीं सारा नहीं, कोई कोई ओके। ये कैसा, ये वाला ऑलमोस्ट। ये था ईडन रोप, ये जी हम ईडन रोप के अंदर गए थे और आपने देख लिया, कोई कपड़ा नहीं, कोई चीज़ नहीं जो कि बंदा ले ले। हाँ जी, तो मैं था ईडन रोप में, वहाँ भी आपने देख ली अजीब अजीब से कलर्स, और बस एक जो अजीब सी रवायती सी स्टिचिंग है वो है, मतलब कुछ ऐसा क्यों नहीं है कि आप ईद के लिए उसको पहन सको ना। गर्मी है ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा कट आप अच्छा कर दें, थोड़ा कुछ लगा दें ऊपर, थोड़ा कुछ ऐसा तो थोड़ा सा फेस्टिव लगे, लेकिन नहीं, वही बात है कि आपने देख लिया, मैं क्या आपको बताऊँ, आपने खुद देख लिया कि किस तरह के कपड़े थे, किस तरह के कट्स, और इवन कलर किस तरह के थे। चले आप कलर थोड़ा अच्छा रखते कि ईद है तो वो फेस्टिव लगे, लेकिन नहीं, वो पता नहीं किसी और जोन में सारे डिज़ाइनर्स हैं, और बस उन्होंने कहा कुछ भी करके लटका दो, लोग ईद के लिए आएंगे कुछ भी पिक कर लेंगे, और अच्छी सूटी सब चीज़ें वो पहन लेंगे। अच्छा तो कुछ है ही नहीं, बार बार आके थकने का दिल नहीं करता, लेकिन है ही नहीं कुछ, तो आप पैसे ज़ाया नहीं कर सकते, बार बार वही बात कह रहा हूँ, तो पैसे ज़ाया आप नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तभी आप लें, अदरवाइज नहीं, वर्थ नहीं करना।
है जी, हम आ गए आइडियाज। ये कलर्स देख रहे हैं हम, डाल डाल वही एक पैटर्न। एक ही बात एक वीडियो में कितनी दफा कहूँ, ये सारे कलर्स वही है सब कुछ। तो यहाँ पर देखें आप लोग भी कुछ कमेंट्स में मुझे बताया करें, अगर कुछ समझ आए तो इंसान फिर वो नेक्स्ट आकर ले सकता है, मेरे लिए कोई बात नहीं दोबारा आना। फिलहाल मुझे तो कुछ नहीं समझ आया। आगे बढ़ूंगा, रोजे के बाद बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है, और इसलिए मैं आ गया था फटाफट कि इस टाइम कोई और नहीं होगा, ज़्यादा रश नहीं होगा, बारिश भी हो रही थी, मैंने कहा मैं आज ही चला जाऊँ, ज़्यादा रश भी नहीं होगा, ज़्यादा तगो दो भी नहीं करनी पड़ेगी। और वही हुआ, रश तो इतना नहीं है लेकिन मुझे थोड़ी प्यास भी लग रही है, कुछ पीता भी हूँ और फिर घर पर चलता हूँ। तो कोशिश है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और कोशिश तक जो जो मैंने देखा मैंने आपको भी दिखा दिया सर, बाकी आप लोगों ने भी शॉपिंग करनी हो तो आप लोग आ सकते हैं पैकेजेस मॉल, बहुत सी ऑप्शन मिल जाएंगी और सबकी चॉइस भी डिफरेंट होती है, शायद आपको बेटर ऑप्शन मिल जाए, मेरे से डिफरेंट चॉइस होगी किन लोगों की, और जिनकी मेरे जैसी होगी वो थोड़े मायूस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी विज़िट करना चाहिए, इतने दिनों में घूमते फिरते हैं ना, अच्छा लगता है ना। ये देखें कितना प्यारा, उन्होंने रमज़ान की मुनासबत से एक फ़ोटो स्पॉट बनाया हुआ है, आप यहाँ फ़ोटो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना, एक बड़ी स्पिरिचुअल सी प्यारी सी पीसफुल सी फीलिंग आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, ब्यूटीफुल। फाइनली मैं अपनी फेवरेट स्पॉट पर आकर बैठ गया हूँ, बड़ी अच्छी फीलिंग है, बड़ी मज़े की फीलिंग है रमज़ान की जो, और मैं तो बैठ गया हूँ आराम से, यहाँ पे आके आराम से बैठा हूँ, सबको देख रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड कितना प्यारा है मेरा।
प्यास बहुत लग रही है, गला खुश्क हो रहा है, तो हम कुछ पीने पीने जा रहे हैं क्योंकि सारी की बात निकल आए थे, वो प्यास और वाकई लग रही है। देखिए कुछ मिल जाए पीने के लिए अगर अच्छा तो। आ गया जूसीज आइलैंड और मैं ले रहा हूँ शुगर कैन और एक फालसा, ट्राई करते हैं कैसा। सॉरी मैं बताता हूँ अभी ना, अच्छा करके बना रहे। तो अभी मैंने एक ही ने कहा कि मुझे दे दें शुगर कैन और दूसरा मैंने कहा मुझे फालसा दे दे, दोनों टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा। आई थिंक वहाँ बना रहे हैं वो, ठीक है टेस्ट करके फिर बता। मुझे लगता है मेरे दोनों रेडी हो गए ना, मैं अब ये बर्फ बहुत कम, मैंने उनको कहा इसमें बर्फ डालें नमक डालें कम है तो वो डाल रहे हैं, देखो क्या करते हैं। यस यस जल्दी जल्दी कर दो भाई मेरे, थैंक यू थैंक यू। बड़ा अच्छा मौसम है, प्यारा और हवा बहुत ठंडी चल रही है और ऐसे समरी समरी जो एक स्टार्ट होता है ना समर का, वो वाला मज़ा आ रहा है ब्रीज का, मतलब फुल गर्मी का नहीं लेकिन जो एक बहार का मौसम होता है स्प्रिंग का वो जी। तो मैं अब जा रहा हूँ वापस और गाड़ी भी आ गई है, गाड़ी में बैठने लगा हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ घर जाके, ठीक है बाय। दोस्तों तो मैं आ चुका हूँ घर, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, अब लेटूंगा थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करनी है वो करूँगा और फिर सैरी करके सो जाऊँगा। तो आप सब अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मेरी दुआ में याद रखें और कीप फॉलोइंग कीप सब्सक्राइबिंग, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पता चलता है थोड़े बहुत अच्छे अच्छे लॉयल व्यूज़ आ रहे हैं। तो ठीक है आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दिस इज़ मी अरसलान साइनिंग ऑफ। Bye-bye.